हेलो गाइस, वेलकम टू कोरी टेक चैनल। दोस्तों, मेरा नाम सोनू कोरी। जैसे आप जानते हैं, जैसे कि पीछे ये स्टेडियम है, ये पार्क के अंदर, और ये रहा अपना कार्ड जो एक इवेंट के अंदर आए इस टाइम। अब जैसे अभी अपना G20 करा आगरा में, खेलो इंडिया करा, और बाकी बहुत से इवेंट करे मैंने, बास्केटबॉल का भी करा, अब एक और इंटरनेशनल और नेशनल था बास्केटबॉल का, वो बैडमिंटन का, जो बड़े बड़े प्लेयर थे उसमें आए थे, वो भी खेला। हाँ, बैडमिंटन का ही था शायद से। हाँ, बैडमिंटन का था वाला भी इवेंट करा, बहुत इवेंट करे इस टाइम, और अभी दोबारा से एक इवेंट के अंदर है। तो ये स्कूल है, स्कूल का डायमंड जुबली बन रही है, मतलब यहाँ पे हो गए, इन्हें स्कूल को हो गया 100 साल के करीब हो गए, तभी डायमंड जुबली बनती है। ऐसे क्या होता है मुझे पता नहीं इसके बारे में इतना, तो हम 100 साल तक हमारे स्कूल में हुआ ही नहीं कभी ऐसा। तो इसमें आए, तो अभी पूरा सेटअप कर ही दिया मैंने सेट की तरफ, और एक माइक्रोटिक लगाई नहीं, सीधा राउटर लगा दिया मैंने दो जगह। ज़्यादा बड़ा इवेंट नहीं है, ज़्यादा कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, 10-10 Mbps की, तो मैंने 10-10 के बदले मैंने 300 दे दी, मैंने चलाओ आराम से। तो अभी एक मैं यूपीएस लेके आया हूँ, यूपीएस लगाना खाली, क्योंकि इवेंट यहाँ पे क्या होता है, स्टेडियम के अंदर लाइट फ्लैक्चुएट बहुत ज़्यादा मारती है, कभी आती है कभी जाती है, तो इंटरनेट जैसे बंद गई लाइट एकदम से आएगी तो कम से कम 5 मिनट तो लेगा इंटरनेट चालू होने में। ONT होती है जो 2 से 3 मिनट लेती है, ONO भी ऐसी लेता है। तो अभी मैं वहाँ पे वो लगाता हूँ पहले UPS, और बाकी जब इवेंट स्टार्ट होगा तो वीडियो बना के देखेंगे। कल टेस्टिंग थी तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो जो डांस कर रहे हैं, उनकी वीडियो मैं प्रॉपर तरह से ढंग से बनाऊंगा। चलो अभी इवेंट स्टार्ट होना, तो क्योंकि सुबह ही आ गया था मैं 7 बजे इस साइड, और कह रहे शाम के 7 बजे तक चलेगा, क्योंकि इतना तो लंबा चलेगा नहीं मेरे हिसाब से, देखते चलता है कि नहीं चलता, और मज़ा आएगा तो देखते हैं। ये इवेंट है, इवेंट के सेट टाइम है, और जो स्कूल है ये एक साइज से लक्ष्मीबाई नगर में है, और बाकी इनका हर दिल्ली हर जगह ब्रांच, इनका 100 साल हो गए, तो डायमंड जुगली बन रही है इनकी। तो इवेंट के अंदर आए हुए हम, तो इधर कनेक्टिविटी दी इंटरनेट की, तो अभी स्टार्ट ही हो रहा है, कल पूरा हमने सेटअप कर दिया था। तो इस साइड हमने एक 2 LAN केबल दे दी है इस साइड की तरफ इधर, और लैन केबल मतलब 2 राउटर, 2 अलग अलग इंटरनेट दिए इधर, हमें खाली 2 ही केबल देनी थी, बाकी कुछ नहीं देना था, वाईफाई। तो इस साइड अपना सारा कुछ सेटअप है, तो ये देखो अभी जब प्रोग्राम होगा तो वीडियो बना के प्रॉपर तरह से दिखाएंगे। तो मैं दिखा देता हूँ अभी अपना राउटर कहाँ लगा, जहाँ हर बार लगाते हैं हम 2 सेटअप वो लगा रखा है। तो ये 2 केबल है जो येलो येलो कलर की केबल है, ये मैंने डाली है यहाँ से यहाँ तक, तो ये रही अपनी केबल है, और ये भी लॉक है जो चाबी इनके पास है, आपको दिख रहा हो राउटर, देखो एक राउटर ये रहा, और 2 राउटर अंदर लगा रखे हैं ONO प्लस, और मैं UPS ले के आया, ये रहा अपना UPS ये रहा अपना। जैसे कि कभी स्टेडियम में क्या होता है, लाइट फ्लैक्चुएट मारती है, तो इससे बैकअप दे के चल जाएगा, मतलब जैसी लाइट गई तो इससे चल जाएगा अपना इंटरनेट, कोई दिक्कत नहीं आएगी इंटरनेट में। और 2 इंटरनेट इसलिए दे रखे, कुछ भी दिक्कत आए तो ऑटोमेटिक दूसरे इंटरनेट पर शिफ्ट कर दें। तो भाई ये रहा मैंने UPS लगा दिया, एयरटेल का राउटर, एक ONO और एक राउटर लग रहा है जो डुअल बैंड राउटर है। तो टेस्टिंग करने के लिए मैं कर रहा हूँ, पहले एक बार बटन दबा दूँ कि चले ना चले, क्या पता बंद ही रह जाए, ऑटोमेटिकली लाइट जाए तो फिर चल ना पाए। तो अब एक बार मैं ऑन करके देख रहा था कि बैकअप ऑन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ये बैकअप हो रहा था मेरा, बन गया था, बिल्कुल सही चल रहा था, तो मैंने देख लिया था क्योंकि कोई दिक्कत ना आए बाद में, कुछ हो जाए इशू, इसलिए मैंने पहले चेक कर लिया था।